हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू मेक फेमस ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी इलिश भापा, यानी स्टीम्ड इलिश बोल सकते हैं इसे, स्टीम्ड हिलशा फिश बोल सकते हैं इसे। तो इलिश माछ जो होती है उसे हम भाप देकर पकाने वाले हैं आज। तो ये वाली जो फिश होती है इलिश, ये पाई जाती है, वैसे तो पूरे साल में ही पाई जाती है, लेकिन जिसका सबसे अच्छा टेस्ट होता है, जो खाने में सबसे बेस्ट होती है, वो पाई जाती है मॉनसून के टाइम में, यानी जून से लेकर सितंबर तक हमें ये मिलती है खाने को। और ये बंगालीज की सबसे पॉपुलर रेसिपी है इलिश भापा। तो चलिए देख लेते हैं कि इलिश भापा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर इलिश। तो मैंने यहाँ पर इलिश के 4 पीसेस लिए हैं और मैंने इनको नमक और हल्दी लगाकर अच्छी तरीके से मैरिनेट कर कर रखा है। और यहाँ पर मैंने और भी चीज़ें ली हैं, जैसे यहाँ पर लिया है मैंने 2 चम्मच के बराबर ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, 1 चम्मच के बराबर लिया है येलो मस्टर्ड सीड्स, और इसमें हरी मिर्च ली है मैंने। तो हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ली है क्योंकि इसको हमें थोड़ा चटपटा सा बनाना होता है, थोड़ा तीखा बनता है ये, तभी इसमें टेस्ट आता है, तो मिर्च हम थोड़ी ज़्यादा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूंगी नारियल, तो ग्रेटेड नारियल रखा है। अब इन सबको एक साथ मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे हम। तो देखिए पेस्ट यहाँ पर बन चुका है, बहुत ही स्मूथ बना है। और यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर मैंने दही को फेंट कर रखा था, वो ऐड किया है इसमें। और मैं यहाँ पर नमक ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी, और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और 1/2 टीस्पून के बराबर दूंगी ब्राउन शुगर, एक स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट के लिए, और जो इलिश पीसेस हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो इनको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लूंगी, सारा जो ग्रेवी है अच्छे से इनमें लग जाना चाहिए। और ऊपर से मैं इसमें क्या करूंगी, जो मस्टर्ड ऑयल होता है कच्चा, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी है मैंने, और अब मैं इनको अच्छे से कवर कर दूंगी। कवर करके मैंने 15 मिनट तक उसे बाहर रखा। और यहाँ पर मैंने देखिए एक कढ़ाई ली है, यानी कि एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने इसे, एक हांडी है, ये हांडी में मैंने इसको रख दिया है 15 मिनट। इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा और उसके बाद 15 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पर रखा है, तो ये अच्छे तरीके से पूरा स्टीम हो जाएगा, उसके बाद हम इसे खोल कर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बनकर रेडी है और ये बहुत अच्छी तरीके से पका था, बहुत अच्छा सॉफ्ट हुआ था, बहुत ही टेस्टी हुआ था खाने में। और ये वाला जो इलिश भापा होता है, यानी स्टीम्ड हिलशा फिश होता है, ये खाने में, यानी राइस के संग, गरम गरम राइस के संग आप खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और ये इसी तरीके से ही खाया जाता है। तो ये हम लोगों का बहुत फेवरेट रेसिपी है, तो आप भी अपने घर में इसे ट्राई कीजिए, खाइए, खिलाइए, और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।